आज राजा नासिर अब्बास की सरबराही में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक वफद, नुमाइंदा वफद, जिसमें इनके चारों सूबों के सदूर सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे और की मीटिंग हुई बनी गाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। हमने मिलकर एक एमओयू पर दस्तखत किए हैं और फैसला किया है कि सियासी तौर पर हमने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक दूसरे के साथ तआवुन भी करना है और मिलके साथ चलना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दीनी हलके हैं उनमें तहरीक इंसाफ में जो आज पज़ीराई मिल रही है ये बड़ी खुशाइंद है। आपके इल्म में है कि चंद रोज़ पहले मौलाना शेरानी की सरबराही में एक वफद आया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक एमओयू साइन किया। फिर आपके इल्म में है कि जमात अहले सुन्नत के जैयद कायदीन का और उलमा और मशायख का एक वफद आया और वो इमरान खान साहब से मिला, और आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो वफद आया उन्होंने हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग का एक मेमोरेंडम साइन किया है। इंशाल्लाह मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए हमने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। हमने ये भी फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी हुकूमत है उनके साथ इनकी एक मीटिंग हो जाएगी ताकि वहाँ भी हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। हमने ये भी फैसला किया है कि एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे दी गई है, चार लोग उनके होंगे, चार तरीके इंसाफ के होंगे, ताकि हम जो डिटेल्स हैं, जो असूली मौक़िफ़ है वो हम मीडिया को पेश कर रहे हैं, जिन कोर प्रिंसिपल्स पर हमने एग्रीमेंट किया है और जो दीगर मोडलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं इनके साथ बैठकर आने वाले दिनों में तय करूंगा। शुक्रिया।